भी नैतिकता आपके अंदर है और क्षमता अगर है तो कांग्रेसियों को कैसे खड़ा किया जाएगा, ये आपकी जवाबदेही है, आप खड़ा कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई हक नहीं है इस पद पर। अगर तुम मंत्री हो, तुम्हारा क्षेत्र है, तुम 60 करो, 40 तो मेरा आदमी रहेगा, 40 तो उसका हक बनता है। और अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप मत रहिए बिसुत्री के मंत्री, चाहे कोई भी मंत्री। पार्टी का प्रेसिडेंट है, 11-12 साल प्रेसिडेंट रहे और वो भी जमाना देखे, आवाज भी देख रहे हैं। हमारी हालत बस से बदतर हो गई है और आपका ये कर्तव्य और फर्ज बनता है कि अगर जरा सा भी नैतिकता आपके अंदर है और क्षमता अगर है तो कांग्रेसियों को कैसे खड़ा किया जाएगा, ये आपकी जवाबदेही है, आप खड़ा कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई हक नहीं है इस पद पर रहने का, कोई हक नहीं है। आज सरेआम बालू बिखाया जा रहा है, सरेआम बोलने वाले अधिकारी को टॉर्चर करके मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई घटनाएं इस तरह की हो गई हैं, तमाम टेंडर जो है शेड्यूल पे चल रहा है, एक एक उसके वर्कर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, पशुपालन हो, ग्रामीण विकास हो, सारे के सारे जो है मंत्री के, स्थानीय मंत्री के काम कर रहे हैं। अगर तुम मंत्री हो, तुम्हारा क्षेत्र है, तुम 60 करो, 40 तो मेरा आदमी रहेगा, 40 तो उसका हक बनता है। और अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप मत रहिए बिसुत्री के मंत्री, चाहे कोई भी मंत्री। हमें याद है 2020 में हमारी गवर्नमेंट आया करते थे डिस्ट्रिक्ट में, आलमगीर नहीं थे, जहीदुर रहमान थे, जब जिला में आया करते थे तो लगता था कि हाँ बिसुत्री की मीटिंग हो रही है और कांग्रेसियों को एहसास होता था कि हम कांग्रेसी हैं। मंत्री महोदय, आज गढ़वा जिले के जो भी कांग्रेसी जिस लेवल में हो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, चाहे वो किसी पद पे हो, क्या ये सच नहीं है? ठीक है, आप आते हैं मीटिंग करने के बाद स्थानीय मंत्री के साथ बैठ के अलग गुफ्तगू करते हैं, कांग्रेसियों के दिल में क्या गुजरेगा? हमारा अलायंस है लेकिन हम मर्च नहीं हुए। हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 81 पर 81 पर जेएमएम लड़े, हमें भी अलग लड़ना पड़ेगा। तो आपको उस दूर अंदेशी के साथ चलना होगा कि कल के गए अगर हमें लड़ना हो तो आखिर कौन सा ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो हम फाइट दे सकते। स्थिति दर्शा रहा है कि आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं। बिसुत्री प्रभारी मंत्री बैठा हुआ है, आज हम 2000-1000 आदमी नहीं बैठे हुए हैं, क्या कारण है? हमें कुछ नहीं चाहिए कांग्रेस से, ना मुझे टिकट चाहिए, ना संगठन में पद चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आखिरी वक्त में मरना चाहते हैं कांग्रेस की व्यवस्था देख के। हमें क्या चाहिए, हमें कांग्रेस से अब क्या चाहिए, क्या नहीं दिया? हम जिस परिवार में पैदा हुए और जहां आवाज खड़े हैं यही काफी है। हमें याद है कि जिस परिवार में हम पैदा हुए केवाड़ नहीं था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।